अज दी क्लास विच सारी संगत दा स्वागत है जी। तो संगत जी, इस तो पहले कि प्रोग्राम शुरू किया जाए, मैं एक सूचना तुहाडे नाल सांझी करनी है। बहुत सारी वीर भैणां ने हो सकदा सोशल मीडिया ते पढ़ लिया होवे, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सर सुरिंदर सिंह जी प्रिंसीपल सिख मिशनी कॉलेज आनंदपुर साहब, वो रात चढ़ाई कर गए ने। उम्र उन्हां दी 66 साल सी, ते मैनू हुण जिथों तक पुरानी मैं नज़र मारी याद आ रही है कि मेरे गुरमत दे उस्ताद साहब मिंदर सिंह जोश, उन्हां नूं जिस वेले आनंदपुर साहब ब्रांच खोली पंजाब एंड सिंध बिजली एज मैनेजर, उत्थे उन्हां नूं तैनात किया। तो उन्होंने अपनी, क्योंकि कमिटेड मिशनरी सन, उन्होंने डे वन तो ही उत्थे जाके गुरमत क्लासा लानियां शुरू कर दित्तियां। तो उहदे विच सब तो पहला शमूलियत ये वीर सुरेंद्र सिंह जी की सी। उस वेले इन्हां दी उम्र सी केवल 20 साल, 19 या 20 साल। तो 19 या 20 साल की उम्र में ये जोश साहब के नाल जुड़े, और जोश साहब उत्थे 3 साल पोस्टड रहे। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे उत्थे वीर भैणां जिहड़े ने उन्होंने मिशनरी कॉलेज लई एज मिशनरी तैयार किया। इस तरह सुरेंद्र सिंह सब तो मोहरी सन, और इन्होंने फिर आले दुआले उस इलाके आनंदपुर साहब के इलाके, उस क्योंकि इन्हों का जोड़ा इलाका है, रहने वाले पुराने पिता पुरखी उस इलाके संबंध रखते हैं, तो इन्होंने उत्थे उस आले दुआले पिंड शहर बड़ा प्रचार किया। और फिर जिस वेले उन्हों ही इन एफर्ट सदका उत्थे फैसला होया भी एक रेगुलर मिशनरी कॉलेज शुरू किया जाए, जिहड़ा कि हुण देख लो तकरीबन 20 साल हो गए ने, और वो लगातार 3 साल का जिहड़ा ये मिशनरी जिहड़ा कोर्स है कराया जांदा है, जिथे हर साल तकरीबन 25-30 बच्चे नवे दाखिल होंदे ने, और उन्होंने 3 साल उत्थे गुरमत की विद्या, रिहायश, लंगर पानी बिना किसी मौख दे उन्हां दी सेवा की जाती। एडा वड्डा प्रोजेक्ट जिहड़ा चल रहा सात समझी, तो फिर कॉलेज की अपनी बिल्डिंग भी बन गई। जिहड़ा एडा वड्डा प्रोजेक्ट है, मैं ये तुहानूं दस दिया कि बड़ी हैरानी होएगी सुन के, कि इहदे लई कोई किसी किस्म का कोई फंड उन्हां नूं मुहैया नहीं किया गया। ये सात सुरिंदर सिंह दी अपने एफर्ट सन कि इलाके में प्रचार करके जिहड़े बच्चों उन्होंने 1 साल ट्रेनिंग दे लैनी, उन्होंने बतौर प्रचारक वक् वक् प्रोग्रामों भेजना, और उत्थों जितनी माया आती सी वो सारी कॉलेज चलाउण लई, केवल होस्टल लंगर या बाकी देखो हर चीज़ का खर्चा है, बिजली पानी सब कुछ, सवाए यूनिफॉर्म दे बाकी किसी बच्चे का कोई 1 रुपया खर्च नहीं सी आंदा। तो सब कुछ होने के बावजूद इन्ने खर्चे वो सुरिंदर सिंह जी ही मैनेज करते रहे, किवें ने ये हरेक मनुख दे बस की गल नहीं, साढ़े तो सोचण दी वास्ते गल नहीं है। तो एडा एक हीरा सी, पर चलो सतगुरु सच्चे पातशाह का हुक्म है। उन्होंने कुछ साल पहले उन्होंने हार्ट सर्जरी भी हुई, पिछे फिर उन्होंने किडनीज की प्रॉब्लम सी वो भी तब्दील की गई। मैं तो लास्ट दर्शन जोड़े ने उन्हें 4 साल पहले किए, मैं जब आनंदपुर साहब गया उस लिए थोड़ी उन्होंने समस्या तो सी, पर फिर ठीक हो गई। पर अज रात अचानक सतगुरु सच्चे पातशाह के हुक्म अनुसार हार्ट बीट बंद हो गई, वो इस फानी संसार तो कूच कर गए हैं। ये इस प्लेटफॉर्म पर भी हूँ पिछले कुछ महीनों तो उन्होंने कुछ एनगेजमेंट सन, कोई सेहत ठीक ना होने करके वो नहीं से आते, नहीं तो ज़्यादा पाए 2 साल पहले जूम की जी होने वाली क्लास शुरू की, तो वह बकायदा उन्होंने हर हफ्ते कोई ना कोई उन्होंने प्रोग्राम जोड़ा हों, और सवाल जवाब सा बड़ी भारी, क्योंकि वो खोजी सन, मदद करते सन। तो सतगुरु सच्चे पातशाह का हुक्म है जी, तो वो अगे असं सारे ने शीस नवाना, सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर उन्होंने परिवार को, और यह जोड़ा मिशनरी परिवार है सारा, इन्हों सतगुरु सच्चे पातशाह अपने पाने में रखने का बल बख्शन। तो ये सूचना थोड़े तो साझी मैं करनी बड़ी जरूरी समझी है। चलो आओ आप अज के प्रोग्राम चलते हैं। देखो ये दुनिया का दस्तूर है भी इतने एक आ रहे एक जा रहे, पर दुनिया उस तरह चलती रही, तो उस तरह ये पिछे साढ़े बहुत ही सत्कारयोग वीर अजीज हरबंस सिंह चढ़ाई कर गए, हजे महीना भी नहीं होया, तो अज सुरिंदर सिंह जी चढ़ गए, तो ये तो मतलब भाई आन जान का पूर तो चलना रहना है,
पर दुनिया चलती है तो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन इसे तरह गुरमत की लहर चलती रहे। तो आओ अज मंगलवार है, हरेक मंगलवार साढ़े नाल सत्कार योग मेरे अजीज ज्ञानी अमृतपाल सिंह लुधियाने तो वह जुड़ते हैं। सतगुरों की बख्शिश है वो उन्होंने जो ये ढंग है गुरबाणी समझाने का वह वाहगुरु जी ने उन्होंने बख्शिश की, बड़ा निवेकला है, संगत बड़ा पसंद कर दिया ने। तो आओ अज भी जरा लगातार प्रोग्राम चल रहा है वेद राग गोड़ी वार कबीर जी के सत्तवा उसकी ये अज सा साझ पागे। मैं उन्होंने बेनती कर रहा भी आओ कृपा करो और अपना प्रोग्राम शुरू करो। ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख मिशनी कॉलेज के चेयरमैन सरदार हरजीत सिंह जी, सत्कारयोग सरदार राजा सिंह जी, उन्होंने समुचे विद्वाना की टीम, इस क्लास नाल जुड़ी हुई समूह साध संगत नू बहुत ही प्यार सहित फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर जी के पावन मुखारबिंद तो उचारण असी पहला बावन अखरी की विचार सपूर्ण की है, उस थिप्पिंग बाणी की विचार पिछले मंगलवार असी सपूर्ण कर ली है। उस लड़ी तहत अगली जड़ी विचार है भगत कबीर जी के पावन मुखारबिंद तो उचारण गौड़ी राग दे विच वार जड़े ने सत्त वार, मैंने दिन हफ्ते दे सत्त दिन ऐत सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, और भगत कबीर जी ने ऐतवार तो इस बाणी की शुरुआत की है। उस बाणी की विचार दे नाल अज असी सांझ पाण जा रहे हाँ, अज तो साड़ी शुरुआत है। इस बाणी के आरंभता दे विच संखेप मंगल है, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, यह जिहड़ा मंगल है गुरबाणी दे विच बहुत थावां दे उपर संपूर्ण सरूप दे विच आया है, कुछ थावां ते संखेप, फिर होर संखेप या बिल्कुल संखेप। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद, इत्थे तक ये संपूर्ण मंगल है। जदों भी कोई नवी बाणी आरंभ हुई जां जदों भी कोई नवां शब्दां दा संग्रह आरंभ होया, नवे घर की शुरुआत हुई, उदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उचेचे तौर दे उपर ये मंगल जरूर दिता। उदे पिछे एक कारण सी, कारण ये सी कि जिस असी रब की गल करन जा रहे हैं वह है कि कदी किसी के मन के मुगालता ना पैदा हो जाए, भुलेखा ना पैदा हो जाए कि असी किसी पताल वाले किसी आसमान वाले रब की किसी व्यक्ति विशेष रब की असी गल कर रहे हैं। इस करके जदों भी नवी बाणी नवा कर नवा राग या नवा शब्द संग्रह आरंभ होया, सतगुरु जी ने उपर मंगल जरूर दे दिता कि आ रब है जिहदी असीं अज गल करन जा रहे हाँ, जां जिहदी विचार होएगी, जां जिहड़ा शब्द जिहड़ी बाणी असीं पढ़न जा रहे हाँ उहदे च इस रब की गल है, तां कि असीं खुंझ ना जाइए। हर शब्द संग्रह तो पहला सानूं याद रहे कि असीं किस रब की गल कर रहे हाँ जिहड़ा एक है सारिआं च व्याप रहा है। इसे मंगल नूं एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद कह के संखेप किया, इसे मंगल नूं एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद कह के संखेप किया, इसे नूं होर संखेप करके एक ओंकार सत गुरप्रसाद। यह गल वक्री कि जदों पदशद किए गए उदों गुर नूं सत दे नाल जोड़ दिता गया, प्रसाद नालों अलग कर दिता गया, पर ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ। ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਟਾਹ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਇ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਹ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਟਾਹ ਮੈਨੇ ਕੜਾਹਾ, ਕੁੰਡਲ ਮੈਨੇ ਕੁੰਡੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੜਾਹੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਭਾਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
कि इस रब की असं गल कर रहे हैं अगे जरा हरि का नाम आएगा प्रभु का नाम आएगा कोई भी आएगा वह कि हरि कि प्रभु कि रब उपर मंगल दे हदायत दे दी भी असं इस प्रभु की गल कर रहे हाँ जरा एक ओंकार अकाल पुरख एक है कार मैंने सारे च व्याप रहा है यदा मतलब वह प्रभु अपने संसार तो वक् नहीं है दुनिया तो अलग नहीं है यदा मतलब वह सारे विच है। आम तौर पर मनिया जाता सी कि कादर वखरा है कुदरत वखरी है असी वखरे हाँ कुदरत अलग चीज़ है असी अलग चीज़ हाँ रब अलग चीज़ है पर गुरु साहब जी ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिता कि कादर ते कुदरत एक निक ने वह निर्गुण ही है जिन्हें अपने आप को सरगुण रूप च प्रगट कर दिता है अविगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया उन्हें निर्गुण तो सरगुण आप बना लिया यह सरगुण उसे दा रूप है जो दिसै सो तेरा रूप यदा मतलब कादर कुदरत च फर्क नहीं कादर का ही पसारा कुदरत है सरगुण रूप दे विच ते कुदरत दे विच असी भी आ जाने हैं इस करके वह साडे अंदर भी है घट घट मैं हर जू बसै संतन क्यों पुकार हर हिरदे चो वस रहा है सारे विच ओ है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई इहदा भुलेखा कढ दिता एक ओंकार ने ओ एक है इत्थे अंकां वाला एका पा दिता अखरां वाला नहीं सारी गुरबाणी का ज्ञान अखरां दे विच है पर वाहद एक ज्ञान अंकां दे विच है वह है एक ओंकार का एका उत्थे ईड़ी नूं सियारी ते कक्का नहीं लिखिया कि मत आने वाले समय कोई सियारी के अर्थ वक्रे कर लग जाए ईड़ी के अर्थ वक्रे कर लग जाए कक्के दे वक्रे कर लग जाए जिवें आम तौर पर वेदांती विद्वान इसे तरह करते होंगे सन वो एक एक अखर के वक्रे वक्रे अर्थ से मनिया तो जाता ही भी यह तीन जनिया तो संसार बनया एक पैदा करने वाला एक रोजी देने वाला एक मौत देने वाला पर इस अंकां वाले एके का अर्थ एक ही रहेगा दो या तीन हो ही नहीं सकता इस अंकां वाले एके ने तीन नूं रद्द कर दिता तेती नूं कट दिता तेती करोड़ दे उपर पानी फेर दिता एको ही सारा कुछ है यही पैदा करने वाला है यही रोजी देने वाला है यही मौत देने वाला है एको तो कुछ गुरु नानक साहब जी ने तिना का जिक्र कर दिता तिने गुण एक विच ने दाता करता आप तू दाता भी तू दिना है करता मैंने पैदा भी तू करना है तुस देवें करें पसाओ तू जनो ही सब सह दे लैसें जिंद कवाओ अपने नियमों के विच अपने कवाओ मेरे अपने नियम अपने सिस्टम के विच तू जिंद दे के वापस भी आप लैना है अंकां वाला एका पा दिता हुण उन्हां लोकां दी दाल गली नहीं भी ते गुरु नानक पातशाह ने ते अंकां वाला एक पा दिता एक दा मतलब एक ही रहेगा फिर उन्हां चलाक लोगों ने देखिया भी जे ईड़ी सियारी कक्का हुंदा ते असीं कुछ कर भी लैंदे हुण की करिए उन्होंने फिर ओम दे टुकड़े कर दिते कि ऊड़ा जिहड़ा मूँह खुला है ना उन्होंने कहिंदे ने ऊड़े नूं होड़ा लग्गिया होया उन्होंने की किया ऊड़े की उपरली लैन कह दिती है यह पैदा करने वाला देवता है विचकारली लैन जिहड़ी है वह रोजी रोटी देने वाला देवता है तीजी लैन जिहड़ी है वह मौत देने वाला देवता है उन्होंने ऊड़े के टुकड़े कर दिते फिर ऐसे भी लोग आए पर अंकां वाले एक ने तीन तेती सब नूं रद्द कर दिता एक ही है सर्वशक्तिमान एक तो बिना कोई नहीं है एक दा ही पसारा है कार उपर कार लगा दिती लकीर खिंच दिती कार मैंने व्यापक लेटिया होया समाया होया सारे च एक रस भरपूर है एक ओंकार ओ प्रभु जिहड़ा निकास विकास ते विनाश नूं चलाण दे सिद्धांत नूं चलाण वाला है ओही सब कुछ करन वाला है विकास भी विनाश भी ते निकास भी भाव जिहड़ा जन्म भी दिंदा है पालना भी करदा है ते लयता भी करदा है जिहदी सत्ता कुल कायनात दे विच फैली हुई है जिहदे नियमां दे विच पूरा जगत है वह प्रभु कार व्यापक है सत ते उहदा मूल जिहड़ा गुण है वह सत है सदा तो हर चीज़ नाश हो सकती है हो जाती है पर सत ने सदा रहना है गुरु साहब ने एक तुक विच रब दे ना तिन्ना एक गुण का एक तुक विच ही वर्णन कर दिता तिन्ना समयां दे विच ही गुण एहो होर ना ही कोई इहदा मतलब यह नहीं कि यही रब का गुण है होर रब का कोई गुण नहीं नहीं गुण एहो यह सब तो वड्डा रब का गुण है किहड़ा होर ना ही कोई उहदे वर्गा होर कोई नहीं ना को होवा ना पहला कोई होया ना को होए ना बाद विच कदी कोई होएगा
इस करके किरतम नाम कथे तेरे जीवा जबान तेरे कीते कम्मां नूं देख के नाम रख रही है। जे कोई पुराना तो पुराना तेरा नाम मन्या जाएगा सतनाम तेरा परा पूर्वला पूर्वला नाम पुरातन नाम सत मन्या जाएगा सदीव तो सदा तो सत मिलदा किवें है गुर प्रसाद गुरु की कृपा दे द्वारा गुरु दे ज्ञान दे द्वारा गुरु की कृपा है गुरु का ज्ञान असी कई बार विचार चुके हाँ गुरु की कृपा की है कर कृपा किल विख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया जदों गुरु ज्ञान का सुरमा पाउंदा कृपा हो जाती है गुरु की कृपा तो रब बिना मिलता नहीं है गुरु की कृपा तो बिना रब मिलता नहीं है जिहड़े आखदे ने अच्छा गुरु की कृपा होएगी तो रब मिलेगा जे सानू रब नहीं मिलिया तो साढ़े ते गुरु की कृपा नहीं हुई असी की करिए साडा ते दोष नहीं ना साडा ते कोई दोष नहीं गुरु का दोष गुरु ने कृपा की नहीं साढ़े ते वह कर दिंदा ते सानू रब मिल जाना सी असी बहाने लभदे हाँ गुरु के उपर असी दोष थोप दें गुरु कृपा कर रहे है गुरु की कृपा है गुरु का ज्ञान गुरु ज्ञान दे रहे है असी गुरु की कृपा तो मुनकर हो जाने असी नहीं लैनी जी गुरु की कृपा जिहड़ा गुरु ने ज्ञान दे दिता ना भी सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई गुरु ने कृपा कर दिती भी सारे च रब है असी कह दिता नहीं नहीं असी कृपा नहीं लैनी असी सारे च रब नहीं देखना आ ते मेरा दुश्मन है इहदे च नहीं मैं रब देखना आ ते मेरा गाहक है जिहदे च रब देखांगा लुटांगा किवें इहनूं इहदी जेब किवें कट्टांगा आ ते मेरा मुलाजम है मेरा वर्कर है मेरा नौकर है इहदे च रब देखांगा इहदी तनखाह किद्दां मारांगा मैं इहदा हक किद्दां मारांगा मैं नहीं नहीं मैं इहदे च रब नहीं देखणा गुरु ते कृपा कर रहा है असी मना कर देंदे आ भी सतगुरु असी तेरी कृपा नहीं लैणी असी मुरकर हो जांदे आ पर जिस दिन असी गुरु की कृपा गुरु का ज्ञान लै लवेंगे उस दिन तो साफ साफ पता लग जाता भी सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई साफ ही पता लग जाता है गुरु की कृपा तो हो गई पर असी मना कर दिता भी असी नहीं लैनी पर जिहड़ा गुरु की कृपा लै लैंदा है वह फिर सारिआं विचों एक प्रभु दे दीदार कर लैंदा है एक ओंकार सत गुर प्रसाद इस तों अगे सलेख है राग गौड़ी भाव इस बाणी नूं इस शब्द नूं कीर्तनी नूं हदायत है वह गौड़ी राग विच गाए जे गायन करना है तो गौड़ी राग विच गायन की हदायत है वार कबीर जीओ के सत हुण भगत कबीर जी की बाणी है सरदार हरदेव सिंह जी होरां ने मैसेज भी किया कि अज भगत कबीर जी का जन्मदिन है और जो है तो बड़ी खुशी की गल है कि अज असी भगत कबीर जी की अगली बाणी शुरू करन जा रहे हैं तो उन्हों का जन्मदिन मनाया ता ही सफल होएगा जे असी उन्हां दे पाए पूर्णियां ते चलांगे ते भगत कबीर जी पिछे 52 अखरी राही भी सानू उपदेश करके गए थित्ती दे राही 15 थित्तां दे राही मस्या ते पुन्नियां तक उपदेश करके गए ते अज वार कबीर जीओ के सत जिहड़े भगत कबीर जी दे सत वार दी बाणी है ये वह दर्ज है इत्थे असी इन्हां सत वारां दे राही हुण भगत कबीर जी तो गुण हासिल करांगे इत्थों हुण ज्ञान लवांगे ये जिहड़े वार हैगे ने इह समें नाल संबंधित है थित्ती दी बाणी जिहड़ी सी थित्ती मैं तां कहिंदा क्योंकि तत्ते नूं बिहारी उत्ते नाल टिप्पी भी है उत्थे थित्ती दी बाणी जिहड़ी है उहदे विच भी समें दा जिक्र सी उहदे विच भी एकम दूज ती चौथ समें दा जिक्र सी 15 थित्तां दी गल सी उहदे विच हुण फिर उस समें दा ही जिक्र है हुण सत वार आ गई समा जिहड़ा अपनी मस्त चाल चलदा जा रहा है मनुख ने की कीता अपनी सहूलत वास्ते समय की वंड कर ली हालांकि टाइम के जिहड़े फिलोसफर ने वह गल मनते हैं भी समा नाम की कोई चीज ही नहीं है हाँ मनुख ने अपनी सहूलत वास्ते उस समय की वंड कर ली विसे चसे घड़िया पहर हफ्ते दे दिन महीने रुत्तां साल सदियां मनुख ने वंड कर ली युग जां सैकिंड मिंट घंटे जिहड़े अज दे समय दे ने साडे कोल समय की वंड मनुख ने अपनी सहूलत लई कीती कि पिछे जिहड़ी घटना होगी किवें पता लगेगा किन्नी कु देर पहलां होई है उह टाइम की वंड कर ली आने वाले समय जिहड़ा मैं काम करना है कदों तक काम करना है आने वाले समय की टाइम की वंड कर ली फिर इस समय की जदों वंड कीती उस वंड का नाम रख दिता
भी आ साल मनिया जाएगा, इनू असं महीना क्या करांगे, जो 30 दिन हो जाएंगे फिर एक महीना हो जाएगा, जो 12 महीने हो जाएंगे फिर एक साल मनिया जाएगा भी आ साल। इस तरह इन्ने विसे होणगे ते चस्सा, इन्ने चस्से होणगे ते कड़ी, इन्ने कड़ियां होणगे ते इन्ने पहर होणगे ते एक दिन या रात होएगी, इन्ने दिन होणगे ते असीं एक हफ्ता मना करांगे। नाम रख दिते दिन पहर हफ्ता दिन महीना। समय दे नाल एक चलाक किस्म दा वर्ग पैदा हो गया जिन्हों कहा जाता है पुजारी वर्ग। उस पुजारी वर्ग ने की कीता, उन्हें एक बड़ा वड्डा भरम जाल पैदा कर दिता कि आ कुछ दिन चंगे होंगे ने कुछ दिन माड़े होंगे ने, ते भोली भाली जनता नूं लुटना शुरू कर दिता। भोली भाली जनता फसदी चली गई। उन्हें की कीता थित्तां वारां दा, जिवें थित्तां दी असीं पिछे विचार कर गए हाँ, ते वारां दा वी ऐत सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, चंगे ते माड़े होण दा एक ख्याल पैदा कर लिया, एक भरम जाल पैदा करके भोली भाली जनता नूं लुटना शुरू कर दिता। उहदे नाल की होया, इस भरम जाल दे नाल उस पुजारी वर्ग दा रोजी रोटी दा साधन बन गया। और अज पढ़े लिखे जमाने विच 21वीं सदी दे विच भी लोग इस वहम भरम इस विच उलझे हुए ने, अज भी उलझे हुए ने कि मंगलवार सिर नहीं धोना, वीरवार सिर नहीं धोना, बुधवार शनिवार नवड़े नवे कपड़े पाए बड़े शुभ होंगे ने, ऐतवार गहने पाओ तो बड़े शुभ मने जाते हैं, शनिवार जी लोहा दान नहीं करना बड़ा पैड़ा होंगे, या लोहा लोहा दान करना चंगा है, लोहा खरीदना बड़ा माड़ा है, कोई मंगलवार नूं शुभ मनी जांदा है, कोई ऐतवार नूं, कोई शुक्रवार नूं, अनेक कर्म कांड पैदा हो गए। और पुजारी दा परम है कि आ दिन जिहड़ा चंगा है ना, इस दिन काम करोगे तो काम सफल हो जाएगा, इस दिन काम करोगे तो काम सफल नहीं होएगा। नतीजा की निकलिया, असीं कुछ दिनां नूं चंगे मान लिया, कुछ दिनां नूं माड़े मान लिया, असीं कुछ शुभ दिन मान ले, कुछ बुरे दिन मान ले, चाहे 15 थित्तां ने ते चाहे वह 7 वार ने, चंगे माड़े दिन असीं ये पैदा कर ले। जदों कुछ शुभ दिन मान ले, कुछ अशुभ दिन मान ले, असीं चंगे दिन नूं काम करदे आ। हालांकि साडे गुरसिख भरा कहिंदे ने भी असीं तां नहीं भी इन्हां चीज़ां नूं मंनदे, जदों विआह शादी हुंदी ना ते उदों ते स्पैशली लोग किसे पंधे प्रोहत कोल जांदे ने मूर्त कढ़ाउण वास्ते, चंगा जिहा मूर्त, मैंने चंगा जिहा टाइम दसो, 2 घड़ियां नूं कहिंदे ने मूर्त, 24-24 मिंट दीआं 2 घड़ियां, 48 मिंट दा मूर्त हुंदा है, 2 घड़ियां दा वी चंगा जिहा मूर्त दसो, उस मूर्त विच असीं बच्चे दा विआह करना है। ते कुछ लोग कहिंदे नहीं नहीं जी, असीं तां जी किसे पंधे प्रोहत कोल नहीं जांदे, असीं तां गुरु के सिख हाँ, असीं गुरुद्वारे भाई जी कोलों जाके दिन कढ़ा लईदा, काम छड्डिया नहीं, करना जरूर है, पंडित नहीं तो भाई सही। मैं तो अक्सर कहना हुना कि विआह तो बाद जो लड़ाई झगड़े होन ते नौबत तलाक तक पहुँच जाए ना, तो सब तो पहला तो उस पंडित पुजारी पुरोहित भाई ते केस करना चाहिए, जिन्हें वह शुभ दिन कहा सी भी इस दिन का आनंद कार्ज करोगे तो सफलता मिलेगी, सब तो पहला तो वो केस करना चाहिए 420 का, तू फ्रॉड किया साढ़े नाल, तू तो कहा दिन बड़ा शुभ मुहूर्त है, शुभ शुभ दिन है, साढ़े तो करकलेश पिया हो, पहला तो वे केस करो, उन्होंने पहले अंदर करो। पर गुरु जी ने ते भगत ने सानू इन्ह सारे परमा चो बाहर कढ़िया। जो असं कहने ना भी फलाना दिन माड़ा है, असी रब चो दोष कढ़ते हैं, असी रब नू दोषी बना दें। हुण दीवार बिंगी हो हुण दीवार का थोड़े दोष है, दोष किदा कढ़ांगे, मिस्त्री का कढ़ांगे ना, भी दीवार तो उन्हें बनाई है, मिस्त्री का दोष है, उन्हें दीवार डिंगी बना दी। तो जे कोई दिन माड़ा बनाया है तो दिन तो बनाए ने रब ने, यह मतलब दोष रब का होया, रब ने माड़ा बनाया, असी रब नूं दोषी बना दिता। कोई दिन माड़ा नहीं, कोई दिन चंगा नहीं, सारे दिन एक समान ने, एक बराबर दे ने, कोई शुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है, साढ़े सुख दुख जिहड़े ने इन्हां दिनां दे करके नहीं आउंदे, साढ़े कीते कर्मां करके सानूं सुख दुख मिलदे ने। साड़ी बोलबाणी किदां दी है, साड़ी सोच किदां दी है,
ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਭਟਕਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ, ਜੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਤੀ ਫਿਟਕਾਰ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 7 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ, ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਕੇ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ। ਗੁਣ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁ ਵਚਨ ਗੁਣ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵੋ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਗਾਵੋ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਵਾਵਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੋ। ਫਿਰ ਗਾਵੋ ਪਾਠ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਵੋ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਕਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੁੱਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਖੀਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰੋ। ਉੱਥੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਮੈਂ ਸਿਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁੱਖ ਪਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚੋ, ਮੈਂ ਹਉ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਊ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵੋ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਰਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣ
कभी मैं सच का गुण गाँव कभी प्रेम का गुण गाँव कभी निम्रता का कभी निर्वैरता का गुण गाँव हाँ कभी निरपैता का कभी वो मैं दयालु होने का गुण गाँव हाँ कभी बख्शिंद होने का इन्होंने गुणों को गा रहा इन जीवन च धार रहा वा मैं हर रोज बार 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 मैंने कि अजीब यह ना सोची कि अज का दिन शुभ है अज मैं गा लव कल का दिन शुभ नहीं है कल नहीं गाने आह दिन चंगा मैं वर्त रख लव आह दिन चंगा मैं पूजा पाठ कर लव आह दिन चंगा नहीं है नहीं जीव रोज बार 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 क्यों सिख नूं हदायत उन्हें नितनेम करना है नितनेम क्यों एक बार बाणी पढ़ के समझ लो गल खत्म पर एक बार ना गल ही बनेगी उहदा कारण की है कोई जट जमींदार अपने खेत नूं खाली छड़ दे ना ते खाली खेत दे विच फसल थोड़ी होएगी उच फसल नहीं होएगी पर इहदा मतलब यह नहीं सिर्फ फसल नहीं होएगी कुछ ना कुछ तो उगना ही उगना है मान लो जिमीदार ने किसान ने खेत खाली छड़ दिता मैं कुछ नहीं बीजना यदा मतलब थोड़े भी वह खेत साफ सुथरा रहेगा उत्थे फसल नहीं होएगी कुछ नहीं उगेगा खेत ने साफ नहीं रहना उत्थे कुछ ना कुछ उगी जाना है किसान बीज नहीं बीजेगा फसल नहीं बीजेगा तो घा उग जाएगा नदीन उग जाएगा कंडे उग जाएंगे झाड़ियां उग जाएंगियां वो खेत ने साफ नहीं रहना उत्थे कुछ ना कुछ उगी जाना है इस करके किसान नूं रोज खेत की संभाल करनी पेगी हर रोज बिना नागा हर रोज उन्हूं खेत की संभाल करनी पेगी उन्हूं घा कढ़ना पेगा नदीन कढ़ना पेगा कंडे वाली झाड़ियां कढ़निया पैणगियां फालतू दी चीज़ां कढ़निया पैणगियां ते जे जिमीदार ही सोचे कि मैं एक बार फसल बीज देना चलो मुड़ के मैं खेत जाने की लोड़ ही नहीं हुण ते फसल ही होएगी ना मैं कि बीज फसल का पाया भावें जिमीदार ने बीज फसल का पाया होया है तो वह यह ना सोचे कि जो बीज पाया बस उ उगेगा हूँ नहीं फिर भी रोज घा ने उगी जाना है रोज वो कंडियालियां झाड़ियां उगी जाएगियां नदीन उगी जाएगा जिमीदार फसल का बीज पाने तो बाद भी खेत की सफाई करनी पेगी हर रोज करनी पेगी हर रोज कुछ ना कुछ उगी जाना है साडा मन खेत है जे असी कही कि जी मैं विचार ही नहीं करने च खाली छड़ देना मन इदा हो नहीं सकता इस मन रूपी खेत विचों बुरे विचारां दे पौधे अपने आप उगी जाने ने बुरे विचारां दे घा उगी जाने ने ते जे जिमीदार कवे मैं इको बारी चंगे विचार बीज दिना अज मैं घंटा ला के जपजी साहिब दे अर्थ पढ़ लैना मुड़ के छुट्टी कि मैं चंगे बीज बीज दिते ने गुरु दे ज्ञान दे हुण की लोड़ा करन दी कुछ जपजी साहिब अर्थां समेत पढ़ लिया मैं बीज पा दिता जे इदा भी करके कहे ना भी अगों हुण कुछ करन दी लोड़ नहीं बीज पाण तो बाद भी घा ने उगदे रहना उन्हें रुकना नहीं है ज्ञान दे बीज तां पा दिता पर जिहड़े रोज सवेर तो शाम तक बुरे विचार आउणे ने उह किने रुकणे ने उहदी सफाई तो करनी पएगी ना ते जे जिमीदार सफाई नहीं करेगा घा एडा वड्डा हो जाएगा झाड़ियां इन्नियां वड्डियां हो जाणगियां कि उह फसल नूं ही खत्म कर देणगियां नैगेटिविटी वाले विचार नकारात्मक सोच वाले विचार बुरे विचार जड़े ने साढ़े चंगे विचारां दी फसल नूं दब देणगे इस करके सिख ने रोज बाणी पढ़नी तां कि रोज बुरे विचारां नूं कढ कढ के सफाई करनी ते चंगे विचारां नूं सांभ सांभ के रखना और कढणे ने बुरे विचार घा पिया नहीं रहण देना ते किन्ने कूने जिहड़े नितनेम समझ के पाठ करदे ने ते बुरे विचारां नूं कढदे ने अज गुरु जी मैनूं आ कहिआ भी आ काम ना करी इस काम दे घा नूं बाहर कढ देवां अज गुरु जी ने कहा बुरा काम ना करी मैं बुरे इस काम की झाड़ी नूं कट के बाहर सुट देवां वो तो होएगा ना जे अर्थां समेत पढ़ांगे ते जे अर्थां समेत नहीं पढ़ांगे सिर्फ पढ़ी जावांगे वो तो इस तरह जिवें जट जमींदार खेत विच ते आया खेत का चक्कर लगा के वापस मुड़ गया उन्हें घा ते कढे ही नहीं विचों कंडे ते कढे ही नहीं विचों झाड़ियां ते कढ़ियां ही नहीं वो कढ़णियां पैणगियां वह तां निकलणगियां जदों असीं गुरबाणी समझ के विचार के पढ़ांगे इस करके सिख ने रोज गार्डनिंग करनी है रोज अपने मन की खेती की संभाल करनी है अपने मन में शुभ विचारां नूं सांभ के रखना है बुरे विचारां दे घा नदीन नूं बाहर कढ़ी जाना है रोज जिवें असीं घरां च सफाई करदे हां मन असीं घरां च सफाई ना करिए भी घर एक दिन साफ कर लिया चंगी तरह गल खत्म हुण महीना बंद पिया रहे उहदे च रोज कूड़ा भरी जाएगा
फिर एक दिन साडे कंट्रोल तो बाहर हो जाएगा। इदां ही हुंदा ना, जदों असीं बाणी नाल टुट जाने हाँ, शब्द की विचार नाल टुट जाने हाँ, साढ़े अंदर बुरे विचार इकट्ठे हो जाते हैं, एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है, उन्हां बुरे विचारां दा कूड़ा इन्ना भर गया बाहर कढ़ना औखा हो जाता है। इन्ना बुरे विचारां दा साढ़े अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। सोशल मीडिया देख रहा कोई, कोई वैब सीरीज देख रहा है, कोई फिल्मां मूवियां देख रहा, कोई गाने गीत सुन रहा है, एक समान दे अंदरों बदबू आने लग जाती है। फिर जिवें शरीरक तौर पर रोज इशनान करना पैंदा है, बंदा कभी एक दिन नहीं मैं किलो साबण ला के इशनान कर ला, मुड़ के महीना लोड़ ना पे, नहीं दूजे दिन शरीर चो बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इशनान रोज करना पैना। इस तरह रोज अपने मन की सफाई भी करनी पैनी है, बुरे विचार कढ़ने, चंगे विचार अपने अंदर धारण करने। यह है नितनेम, रोज का नेम, रोज शुभ गुण अंदर इकट्ठे करने। इस करके भगत जी ने कह दिता, बार बार हर के गुण गावो, बार बार मैं गुण गाना, ऐतवार भी, सोमवार भी, मंगलवार भी, बुधवार भी। तो एक अद्धा गुण नहीं कि कुरटन, अनेक गुणा नूं गाउंदा हाँ, किन्ने शुभ गुण जीवन च लैके आता हाँ। बार बार हर के गुण गावो, बार बार मैं रब के गुणा नूं गाउंदा हाँ, जिन्हें उहदे शुभ गुण ने उन्हां नूं गाउण दा भाव धारण करना, मनना। असीं कहिंदे गावन तुद नूं पवन पाणी बैसंतर गावे, राजा धर्म द्वारे अग हवा पौन पाणी, सारे गा रहे ने रब नूं। ते गाण दा मतलब इह नहीं कि तू बाहरों वाजा तबला लैके बैठ के गाण लग जाए। कुछ ऐसे ने जिन्हां नूं कीर्तन नहीं आंदा, जिन्हां दे घर वाजा भी नहीं है, तबला भी नहीं, फिर वह की करनगे? अग हवा पाणी किदां गाउंदे ने? जे अग गाण लग जाएगी वाजा लैके, वह वाजा नूं साड़ देगी, पाणी गाएगा, तबले नूं गाल देगा। वह गा रहे ने रब के नियमों चल रहे ने, उसके हुक्मों जिंदगी बतीत कर रहे ने। गाउण का भाव हुक्मों चलना, जेडे रब के गुण ने उन्होंने मुताबक चलना, यह है गुणा गाउणा। प्रभु के गुणा जीवन च धार के प्रभु के हुक्मों के मुताबक जिंदगी जीना, यह है प्रभु के गुणा गाउणा। बार बार हर के गुण गावो, मैं बार बार वो गुण गा रहा, कभी सच का गुण गा रहा वा, सच धारण कर रहा, सच बोल रहा, कभी मैं निम्रता का गुण गा रहा, निम्रता जीवन दे विच प्रगट कर रहा, कदी मैं दया दा गुण गा रहा, मैं किसी गरीब दे उपर तरस खा रहा, कदी मैं मिठी जबान दा गुण गा रहा, मिठा बोल रहा, कदी मैं प्रेम दा गुण गा रहा, किसी नाल प्रेम कर रहा हाँ। बार बार रब दे गुणा नूं गाई जा रहा हाँ, बार बार हर के गुण गावो। गुरगम ते सुहर का पावो, रहाओ रहाओ मैंने रुको, ठहराओ पॉज। इहदा मतलब यह नहीं कि दो सैकंड रुक के फिर अगली तुक पढ़ लेनी है। रुकन का भाव है ना, तुकां नूं विचार लो, सारी बाणी का सारे शब्द का सार इन्हां तुकां दे विच है। वो की है? गुर गम, गुर गुर दा इत्थे भाव है गुरु, ते गुर दे रारे नूं औंकण नहीं लगी, गुरु कोल, गुरु पास। ते गम, गम दे मम्मे नूं लगी स्यारी, ते गम दा मतलब है गमन करना, जाना, गुर गम। हुण गुर गम दा मतलब की है? गुरु दे कोल जा के, गम दे मम्मे नूं लगी स्यारी, गम के मैंने जा के, अपड़ के, पहुंच के। रब की है? रब कित्थे रहिंदा है? रब किवें मिलदा है? रब दे दर्शन किवें होण? एक बड़ा वड्डा भेत है जिंदगी विच, एक राज है संसार दे सामने कि रब है की है, कित्थों मिलेगा, किवें मिलेगा, उहदे मिलण नाल की होएगा। एक राज है, बड़ा वड्डा भेत है रब इस दुनिया वास्ते। पर जे कोई गुरु तक पहुंच कर लवे ना, गुर गम, गुरु कोल पहुंच के, जा के, गम मैंने अपड़ के, गमे हुंदा जानना, ते मम्मे लगी सियारी जा के। सो भेद, भेद मैंने राज, सो हर का पामो, सो मैंने वो जो रब है ना हरी रब, मैं उहदा भेत पा लैंदा वा। रब की है, कित्थे है, किवें मिलेगा, बस आ एक राज दी गल गुरु तो बिना कोई नहीं दसदा। गुरु दे चरणा विच अपड़ के मैं वो भेत लभ लिया कि रब नूं किवें पाउणा है। गुरु कोल जाके, ते गुरु कोल किवें जाके,
गुरु को जाके जो गुरु का ज्ञान हासिल करांगे, गुरु का ज्ञान सानू दसेगा कि रब कित्थे रहिंदा है। हो सकता है बाकी मतां वास्ते मंदिर मसीत चर्च सिनेगाग रब दे घर होण, पर सिख वास्ते नहीं। सिख वास्ते गुरुद्वारा गुरु का घर, गुरु का दर है। दर मैंने दरवाजा, प्रोसीजर, सिद्धांत, मैथड, जिस गुरु के ज्ञान के प्रोसीजर विचों लंघ के असीं रब नाल जुड़दे हाँ। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, ये रब की पूजा का घर नहीं है, ये गुरु का दर है जिथों सानूं सोझी मिलनी है, ज्ञान मिलना है। असीं गुरु नूं जाके पुछना, गुरु जी दसो रब कित्थे रहिंदा है, फिर गुरु जी सानूं जवाब देणगे। सभै कट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, सारयां दे हिरदयां च उही ते बोल रहा है। अपने बुजुर्ग मापिओ नूं देखो ते रब ही ते है, अपने बच्चों नूं देखो ते रब ही ते है, गुआंढी नूं देखो रब ही ते है, उही ते पिता दे विच है, उही मां विच है, उही भैणां भरावां विच, उही रिश्तेदारां विच, रब ही ते है, हर हिरदे विच उही बोल रहा है। गुरुद्वारे आके गुरु दे दर तों सानूं सोझी मिलदी कि रब कित्थे है ते किवें मिलेगा। गुरु दे ज्ञान दे राहीं गुर गम भेत सो हर का पावो, गुरु दे ज्ञान दे नाल असीं रब नूं पा लैंदे हां। विचार के समझ के किन्ने कु लोक ने जिहड़े गुरबाणी नूं समझ के पढ़दे ने, विचार के पढ़ते ने, किन्ने को आम तौर पर बंदा बहुत सियाणा है। कोई चीज बाजार चो लैके खानी होगी जानना चाहता है ये कितनी शुगर है, कितनी फैट है, किहड़े किहड़े विटामिन ने, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स है, जानना चाहता है ना, सॉल्ट कितना है, इच फैट कितनी है, एवें नहीं लैके खा लैंदा। अज मनुख सियाणा बड़ा है। कोई कपड़ा लेना है जानना चाहता है ये किन्ने परसेंट पोलिस्टर है, किन्ने परसेंट कॉटन है, एवं नहीं कपड़ा खरीद के पा लेंदा। कंप्यूटर लेना है, फोन लेना है, जानना चाहता है ये किहड़े किहड़े फीचर्स ने, की ऑप्शनस ने। आटे का थैला ही लेना होंगे ना, जानना चाहता है भी 10 रुपए कितों सस्ता मिलना, उतों जाके लवेंगे। एडा सियाणा है। कुछ खाना है जानना चाहता है कि ये की है, कुछ पाना है जानना चाहता है ये की है। पर धर्म की दुनिया च इन्ना पछड़ गया, रोज जपजी सदा पाठ करी जाता है, करी जाता है, करी जाता है, पर जानना नहीं चाहता ये है की, ये नहीं जानना चाहता। रोज पढ़ रहा स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ, पर पता नहीं स्वस्थ किनूं कहिंदे ने। आथ का मतलब की है, बाणी ब्रह्माओ इकट्ठा पढ़ना है कि अलग अलग पढ़ना है। भुगत ज्ञान दया भंडारण, भुगत किनू कहते हैं पता नहीं। केती दात जाने कौन कूत, इतने कूत किनू कह रहे हैं गुरु नानक साहब, कूत का मतलब की है पता नहीं। और पढ़ रोच रहे है, जानना नहीं चाहते ये है की है, ये जानना नहीं चाहता। जपजी साहब की विचार ही सिख ध्यान नाल कर ले ना, गुरमत के सारे सिद्धांतों के क्लीयर हो जाए। मैं जपजी साहब की विचार जिहड़ी रिकॉर्ड की सी, हुण चढ़दी कला टाइम टीवी पर भी आ रही है और यूट्यूब पर भी पै रही है, और एक एक पौड़ी विच संखेप जे दे अर्थ ने, एक एक पौड़ी का एक एक भाग बड़े संखेप जे अर्थ ने, 40 भागां की विचार है, उन्होंने जरूर सुनियो। उहदे नाल घट्टो घट जपजी साहब साड़ी जिहड़ी मूल मुढ़ली बाणी है जिहदे च सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का सार सिद्धांत भरिया पिया है, उन्ना कोई समझ लिए तो साड़ी जिंदगी बदल जाएगी। गुरबाणी का एक एक अखर साड़ी जिंदगी नूं बदलन दे समर्थ है। घट्टो घट जपजी साहब की विचार कर लीए। इस करके गुरु तो ज्ञान लेना पएगा, उत्थों भेत पता लगना है रब का। गुर गम भेद सो हर का पावो, भगत जी आखते ने गुरु कोल पहुंच के मैं रब का भेत हासिल कर लैंदा हां। इस तो अगले बचन, आदित करै भगत आरंभ। आदित, आदित का मतलब होंगे आदित्य, मैंने सूरज, आदित्य का नाम आदित करके लिखे भगत कबीर जी ने। इत आदित तो ही आयत, आयत तो ही फिर ऐत बन गया, ऐतवार, आदितवार, ऐतवार। यह सूरज का नाम है, इसे इंग्लिश असं संडे कह दें, सन मैंने सूरज, डे मैंने दिन, सूरज का दिन। इसे रविवार कह दिता जाता है, रवि मैंने सूरज, वार मैंने दिन, सूरज का दिन। आदित मैंने सूरज का दिन, तो सूरज के दिन ऐतवार को की होंगे आम तौर पर कुछ लोग जड़े ने वर्त रख लेंगे ने,
कुछ लोग सूरज की पूजा करते हैं, कुछ लोग रोज सवेरे सूरज की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग जिहड़े ने एतवार को विशेष करके पूजा करते हैं। और समझते हैं कि सूरज की पूजा करन नाल ते सूरज का वर्त रखन दे नाल घर विच सुख आ जाता है, समृद्धि आ जाती है, घर विच धन दौलत आ जाती है, पदार्थ आ जाते हैं। इस विष्णु का 18वां अवतार मनिया गया। जो असं विचित्र नाटक ग्रंथ पढ़ते हाँ वो विष्णु का 18वां अवतार सूरज अवतार की वो वह सारी आती है। वो लिखा भी आह कि पुत्र सी ते की सिस्टम सी, ये बारे असं बहुत थावान के उपर बहुत कुछ पता लगता है कि यह जिहड़ा सीगा वह लावणमती औरत दे पेटों होया सी। जिहड़ा सूरज है ना इहनूं भी किसी औरत ने जन्म दिता सी, सोचो। ते इहदा विआह होया सीगा विश्वकर्मा की पुत्री दे नाल, संजना दे नाल। ते जो संजना नाल विआह होया ते संजना कहन लगी भी एडी गर्मी मैं सहार नहीं सकदी, सूरज नाल विआह होया दे। पहला तां औरत दे पेटों सूरज पैदा होया, मुड़ के सूरज दा फिर विआह भी होया, वह भी एक इंसान नाल, औरत नाल, संजना नाल। उन्हें अपने प्यो नूं कहा भी इन्नी गर्मी मैं सहार नहीं सकती, गुस्से च आ गया विश्वकर्मा। उन्हें चुक के ना सूरज नूं खरात ते चाढ़ लिया, खरात ते चाढ़ के फिर छिलना शुरू कर दिता भी दी गर्मी खत्म कराने। वो खरात किन्ना वड्डा होएगा जिहदे उपर सूरज फिट कीता होएगा, ते वो केड़ी धरती होएगी जिहदे उपर वो खरात रखिया होएगा। फिर उहदे विच फिट करके फिर उहनूं छिलना शुरू कर दिता, उहदा 8वां हिस्सा ही छिल दिता। फिर छिलकियां दे नाल की कीता, किसी का चक्र बना दिता, किसी का त्रिशूल बना दिता, किसी का कोई होर शस्त्र बना दिता, जिहदे बारे कहा जांदा है विश्वकर्मा ने पूरा संसार विश्व नूं बनाया। बल्ब किने बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन ने, सब नूं पता है। टैलीफोन ग्राम बैल ने बनाया, जहाज किने बनाया, राइट ब्रदर्स ने, पूरी दुनिया नूं पता है। पर दुनिया नूं किने बनाया, ये दो जवाब ने। किसी ने कहा विश्वकर्मा ने, किसी ने कहा ब्रह्मा ने, ते किसी काले नूं, किसी गोरे नूं, किसी नूं बाहरले विदेशी नूं पुछ के देखो, तुहानूं पता है दुनिया किन्ने बनाई है ब्रह्मा ने। सूरज की रोशनी पता किन्ने घट की विश्वकर्मा ने, तो लोग हसणगे भी कौन ने। उन्होंने छोटे छोटे चीज़ों के करते का पता है भी आह चीज़ा फलाने ने बनाई ने, पर जिन्हें पूरी दुनिया बनाई उस ब्रह्मे का ना ही कोई नहीं जानता। भारत तो बाहर भारत के लोग जानते हैं, जां विश्व नूं बनाने वाला विश्वकर्मा जिन्हें विश्व नूं बनाया पूरा कोई जानता ही नहीं है। सूरज नूं एक खड़ौना समझिया होया है कि हनुमान नूं भुख लगी, उन्हें सूरज तोड़िया मूँह च पा लिया जिवें फल हुंदा है। चारों तरफ अंधकार हनेरा कुपनेरा मच गया। और भारतीय ग्रंथां च ते लिखी ही गल, इंग्लैंड दे, कैनेडा, अमेरिका, यूरोप दे आ जिहड़े इन्हां दे ग्रंथ ने, इन्हां च लिखी नहीं गल कि सूरज भी एक दिन खत्म हो गया सी, नेरा हो गया सी। इन्हां ने ऐसी कोई गल लिखी नहीं। सूरज नूं इक खड़ौना समझ के एडियां वड्डियां गप्पां मारियां गईआं भी गप भी शर्मा जाए भी एड्डी वड्डी गप कि सूरज नूं खरात ते चाढ़ के उहनूं छिल्लिया, कि गप भी शर्मा जांदी है। सूरज दे दिन, ऐत दे दिन वर्त रखे जाते ने। यह वर्त कितों शुरू होए, ये पिछे एक बड़ी रोचक मिथ्यासिक स्टोरी है कि एक बजुर्ग माता रोज सूरज का वर्त रखती सी। सूरज का वर्त रखने तो पहला उन्हें गां के गोबर नाल पोचा लाना, तो पोचा ला के सूरज का वर्त रखना। शाम को उन्हें फिर सूरज को भोग लवा के भोजन का, फिर रोटी खानी, तो फिर सोना। बेचारे को गां नहीं सी, गुआढ़िया की गां का गोबर चुक लैंदी सी, गुआढ़ियों के गां का गोबर का पोचा इन्हें लगाना, फिर सूरज की पूजा करनी, भोग लवा के फिर उन्हें अपना अन्न दाना मूँह च पाना। एक दिन गुआढ़ियों को पता लग गया भी साड़ी गां का गोहा चुके लै जाती है। उन्होंने की किया, गां एक दिन अंदर बन ली। जो गां अंदर बन ली उस दिन हुण उन्हें गोबर मिलया नहीं बेचारी नूं पोचा लाने वास्ते। गोबर नहीं मिलया, उन्हें वर्त भी नहीं रखिया, पूजा भी नहीं हुई। वह बेचारी भुखी सौंगी रात। जो तो भुखी सौंगी सूरज को पता लग गया भी अज ने मेरा वर्त नहीं रखिया। सूरज ने इन्नी हनेरी चलाई, वह सूरज ने की किया, हाँ सूरज ने की किया, जो ये सौ गई सवेरे उठी तो देखिया एक गां खड़ी मेरे घर च, बड़ी सोहनी गां सूरज ने दे दी। हूँ उस गां ने दो गोबर का पोचा लाना सी, पर जो गां ने गोबर किया तो उसी सोना, तो गुआंढ ने देख लिया, उन्हें की किया सोना चुक लिया, तो उत्थे गोबर रख दिता। इन्हें फिर गोबर का पोचा लगाया,
फिर इन्हें वर्त रखिया, फिर पूजा पाठ की, फिर भोग लवा के पूजन का, फिर रात सौ गई। हूँ जदों गां गोबर करया करे वह सोना दिंदी हुंदी सी गोबर की थां ते, गवांढण जिहड़ी सोना चुक के लै जा करे गोबर गां दा रख जा करे। सूरज नूं पता लग गया भी है इत्थे गवांढण धोखा कर रही है। सूरज नूं गुस्सा चढ़िया, उन्हें इन्नी हनेरी चलाई कि इस बुजुर्ग औरत ने देखा भी हनेरी बड़ी चल रही है, इन्हें गां चुक के अंदर बन ली। अगले दिन सवेरे की उठ के देखा भी गां ने गोबर ने दिता सोना दिता है, इन्हें सोना वेच के अमीर हो गई। गवांढण तो जरिया नहीं गया, उन्हें अपने पति ने कहा भी राजे को शिकायत कर भी इहदे कोल गां जिहड़ी सोना दिंदी है गोबर नहीं दिंदी। उन्हें राजे ने शिकायत की, राजे ने गां खोह ली। हुण इधरों जिहड़ी इह बजुर्ग औरत इह फिर गरीब हो गई। फिर उस तों बाद राजे ने जद रात सुत्ता ते राजे नूं सुपना आया कि इह जिहड़ी गां है उस गरीब औरत दी है, उहनूं वापस करके आ। राजे ने उस औरत नूं गां भी वापस कीती ते अपने राज विच ऐलान कर दिता, अज तों बाद असीं सारे सूरज की पूजा करिया करांगे ते अज तों बाद सारे सूरज दा असीं वर्त रखिया करांगे। इतों सूरज का वर्त शुरू होया। यह मैथोलॉजी कहानी है ये, और यह जी कहानियां साढ़े लोग भी पढ़ते हैं। साढ़े लोग भी पढ़ के आखते हैं वाह वाह तन तन सूरज महाराज, साड़ी भी हालत है। कोई किदा की भी कोई कहानी सू सुना जाए असं परखण ही नहीं आती, असं चुप करके सत वचन कह के मान लें। कई थावे लोग चकारे छड़ी जाते हैं। यह सूरज है कि किसी को पता है यह चीज की है? ये बड़े बड़े गैस का गोला है, 72% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है, 2% कार्बन है, बाकी ऑक्सीजन लोहा ते न्यूरॉन्स दे नाल बनया होया है। और इहदी इन्नी दूर है साडी धरती तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज। उहदी सूरज की किरण जदों चल पे ना ते धरती ते पहुंचण लग्या लगभग 8.5 मिनट लग जांदे ने, इन्नी दूर है। बाहरी जिहड़े इहदा ताप है वह 5500 डिग्री सैलसीयस है, पर जिहड़ा इहदा अंदरला ताप है ना वह 1 करोड़ 31 लाख डिग्री सैलसीयस है। जो धरती से सूरज के विचकार चंद्रमा आ जाता है उदो सूरज ग्रहण लग जाता है, लगभग 20 मिनट रहा है। हर सैकंड के सूरज के 7 करोड़ टन हाइड्रोजन, 6 करोड़ 95 लख टन हीलियम बन जाता है, जो 5 लख बचता है वह गामा किरणा उच्च तब्दील हो जाता है। हर सैकंड सूरज का वजन जोड़ा है ना वो 50 लख टन घट हो रहा है। तो सूरज पता कि बड़ा है, जिन्होंने धरती से लिया के खराब से लिया के छलिया, सूरज का खेत्रफल धरती नालों भी 11,990 गुना ज्यादा है। यदि ग्रैविटी फोर्स जी ग्रैविटी बल है ना वो 28 गुना ज्यादा है। मतलब जे मेरा भार 60 किलो है ना, तो जे मैं सूरज से जावगा मेरा भार 680 किलो हो जाएगा। और 22,000 किलोमीटर दूर तो सूरज किसी भी चीज को अपने वाल खिंच लेगा। सूरज जो आकाश गंगा चक्कर लगाता है ना अपनी पूरे सूरज मंडल समेत, इनू एक चक्कर लगाने च 22 करोड़ साल लगते हैं। और जिनी ऊर्जा जिन्ना ताप सूरज धरती 30 दिन च दिंदा है ना, उन्नी ऊर्जा तो बंदे ने पिछले 40,000 साल विच भी नहीं वरती, उस तो ज्यादा ऊर्जा एक महीने सूरज सानू दे दिंदा है। तो जे सूरज की रोशनी धरती ते ना पहुंचे तो कुछ घंटिया ची धरती जम जाएगी, पूरी बर्फ जम जाएगी। अज तो 1 अरब 10 लाख साल बाद सूरज 10% ज्यादा चमकन लग जाएगा, 5 अरब साल बाद 40% ज्यादा चमकन लग जाएगा। तो जो 40% ज्यादा चमकेगा तो आ जड़े सागर महासागर से वैसे ही भाफ बन के उड़ जाएंगे। 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सारी हाइड्रोजन मुक जाएगी तो यह खत्म होना शुरू हो जाएगा। साढ़े सोलर सिस्टम के सूरज सब तो वड्डी शै है, एडा वड्डा है कि ये 13 लख धरतियां समा सकदियां ने। हुण किहड़ा सी वह देवता जिन्हें सूरज नूं खराब ते चाड़ के छलिया? हिंदू लोग भी नहीं अज उस देवते नूं पूजदे जिन्हें अज सिख लोग पूज रहे ने। दिवाली तो अगले दिन क्यों शुरू हो जाते हैं? पहला अखंड साहिब की समाप्ति होंदी है, उस तो बाद फिर हरिद्वार तो पंडित आके वह सूरज की पूजा करता है, उस तो बाद फिर गाण बजाण का दौर शुरू हो जाता है। मेरे को सबूत पे ने इन्होंने चीज़ों के, पर वो एड्डी वड्डी शै सोलर सिस्टम के साढ़े सोलर सिस्टम च कह रहा मैं, सब तो वड्डी एड्डी वड्डी शै सूरज है जिहदे च 13 लख धरतियां समा सकदियां ने।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਰੰਭ, ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਰੰਭ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇ ਛੱਡ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਮ, ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ, ਕਾਇਆ ਮੈਨੇ ਸਰੀਰ, ਮੰਦਰ ਮੈਨੇ ਘਰ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਪਲੱਸ ਆਸ਼ਾ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਥੰਮ ਮੈਨੇ ਥੰਮੀ ਸਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨਮੁਖ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਏ ਨਿਰਾਸ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਮੈਨੇ ਨਿਰਆਸ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਏ ਨਿਰਾਸ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾ। ਲੋੜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 5-star ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਮੈਂ 10-20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। 2-3-4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲੋ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। 1-2 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਬੈਂਟਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ। ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋੜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਨਸ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਦਿਨ, ਨਿਸ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਅਖੰਡ ਮੈਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੁਰਹੀ ਮੈਨੇ ਸੁਰਬੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਜਾਏ ਮੈਨੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਸ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਰੋਜ਼ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ 1% ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ, ਸਿਰਫ 1%, ਰੋਜ਼ 1% ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ 1% ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365% ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਸ ਮੈਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਅਖੰਡ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਉ ਅਨਹਦ ਬੇਣ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਵਾਏ, ਤਉ ਮੈਨੇ ਤਦੋਂ ਅਨਹਦ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਰਸ, ਬੇਣ ਮੈਨੇ ਬੀਣਾ ਬੰਸਰੀ, ਸਹਿਜ ਮੈਨੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਏ ਮੈਨੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਰਸ ਬਾਰੈ ਉਗਵੈ ਸੂਰ, ਐਨਸ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਲਗਾਤਾਰ
प्रभु की याद अंदर टिकी रहती है, प्रभु की याद की बंसरी अंदर वजदी है। भाव जदों कोई मनुख हर रोज रब दे गुणा दे नाल सांझ पाता है, गुणा नूं जीवन धारण करता है, एक दिन वह गुण मनुख के जीवन में शुभ सुगंधी भर देंगे ने, उच्चे सुचे जीवन की सुगंधी भर देंगे ने, विहार बिहेवियर आचार उच्चा कर देंगे ने, ते उहदे अंदर हर पल रब्बी याद बनी रहती है। इन्हां बेनतियां प्रवान सोमवार की विचार जिहड़ी है उसे अगले मंगलवार को करांगे। हुईआं फुल्लां खिमा फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है ज्ञानी जी, आप जी बड़े ही अच्छे ढंग दे नाल जिहड़ा मतलब बहुत बहुत दीप जाके गल नूं समझाउंदे हो, ते उहदे लई सानूं आप जी दा धन्नवाद करना बणदा। सतगुरु अज इस तरह आप ते मेहर बनाई रखण। तो संगत जी जिहड़ी अज बाणी शुरू होई है सत्तां वारां दी, ये वार जिहड़े ने ये वख वख बोलियां विच वख खित्तियां च इहनां दे नाम वी वख वखरे ने, और जिहड़ी गल ज़्यादा समझण वाली है कि इहनां वारां दे नाल वख वख मज़हबां वालिआं ने बड़ियां कहानियां जोड़ियां ने।